एक तो भूख बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसे आप देख सकते हो बाजू ही जाम होगी यार, और कुछ यार देख ले नन्ना स्पून ही। क्या बोलती है पब्लिक? तो 4-5 दिनों के बाद आज घर से बाहर निकला हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं शिमला से आया था, आफ्टर देन मैं फिर 5-6 दिन तक क्वारंटीन था, घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई इशू तो नहीं था कि मुझे कोई सिम्टम थे, बट फिर भी मुझे लगा कि घर पर रहना चाहिए 4-5 दिन। आज 5 दिनों के बाद घर से बाहर निकला हूँ। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं, मैं आया हूँ अपने खेत में घास काटने। आजकल घास काटना पड़ता है क्योंकि घास लंबा हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो ऊपर सेब के पेड़ों में टच हो रहा है, तो उससे सेबों में दिक्कत हो जाती है, कलर का इशू रहता है फिर बाद में। तो अभी घास काटना बहुत ज़रूरी होता है, आज अभी मुझे घास काटना है। तो चलो आपसे मिलते हैं, पहले मशीन वगैरह सेट कर लेते हैं, पेट्रोल वगैरह डलवाना है, आप देन फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हमारी मशीन तेल वगैरह इसमें डलवा दिया है, सब कुछ रेडी हो चुका है। चलो पहले बन्नी घास काटेगा, आफ्टर देन जब ये थक जाएगा फिर मैं काट लूँगा। चलो आपको दिखाते हैं कैसे कट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट ज़रा। फाइनली दोस्त,
वाले मशीन का ये भी सेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर वो लेबर वगैरह काट रही थी घास, तो उन्होंने ये थोड़ा आगे सेट कर दिया, तो झुकना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर को सेट करना होगा। तो पहले क्या होता था कि आज से 6-8 साल पहले जो लेडीज़ लोग होती थी गांव की, सब वही घास काटती थी, जेंट्स वगैरह बहुत कम काटते थे घास। तो जब से मशीनरी आ रही है, किसी भी चीज़ मशीन वगैरह जब से शुरू हुई है घास काटने की आनी, तो अब क्या हो गया है, लेडीज़ लोग का कुछ काम नहीं है, घर पे बैठना है, खाना वगैरह बनाना है और थोड़ा बहुत जो काम रहता है बाकी घास काटना, मर्दों का काम सब कुछ बंदे ही कर रहे हैं गाँव में, जितने भी जो भी लड़के काम करते हैं जो भी है वो उन लोग ही सब कुछ काम करते हैं, लेडीज़ वगैरह के तो फुल मज़े। चलो सही है, उन्होंने भी बहुत काम कर लिया यार, लड़कों का भी बनता है काम वाम करना। तो लग जाती है, अब मैं इसके बाद घास काटता हूँ, पहले मशीन को सेट करता हूँ। आपको दिखाता हूँ मैं अभी, जो आप देख रहे हो इसमें जो ये धागा है ये बहुत लंबा हो चुका है, जैसे काटते रहते हैं तो ये निकलता रहता है, अभी इसको कट करना पड़ेगा। अगर इतना ही लंबा रखेंगे तो ये घास में फोल्ड हो जाता है, फिर अच्छे से काटता नहीं है, इसमें जो प्लास्टिक का धागा होता है। और मैं इस हैंडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत आगे है, इसको यहाँ पे सेट करना होगा ताकि झुकना कम पड़े नीचे, तो नहीं तो बहुत पीठ दर्द हो जाती है इसमें नीचे झुकते झुकते। पहले इसको भी सेट करेंगे फिर उसके बाद मैं शुरू हो जाऊँगा। मुझे पता है वाट लगने वाली है, आज पहला दिन है, मेरी बाजू बहुत बुरी तरह से थकने वाली है। चलो पहले मशीन सेट करते हैं, आफ्टर देन फिर आपसे मिलते हैं। टर्न है काटने की, पहले दिखा दे अभी हुलिया दिखा दे, अभी बिल्कुल ओके है, और घास काटने के बाद फिर आप देख लेना कि क्या हाल होने वाले हैं मेरे। अभी पहले शेड्स पहनना बहुत ज़रूरी है। चलो ले चलते हैं, मशीन स्टार्ट करेगा भाई पहले, आफ्टर देन फिर आपको दिखाते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. के सीन्स कुछ आपने देखे होंगे कैसे थे, और अभी के सीन ऐसे आप देख सकते हो, और पूरी तरह से स्वेटिंग हो गई मेरी, तो बाजू ही जाम हो गई यार, और पीछे आप देख ले नन्ना सूरी, और आप देख सकते हो अभी घास बहुत ज़्यादा लग गया है। तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर और कटिंग करेंगे इसके बाद, फिर आपसे बातें करते हैं। पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, घास हटा लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी थोड़ा सा मुंह साफ कर लेते हैं क्योंकि मेरी बियर्ड वगैरह हर जगह घास पूरी तरह से फंस गया है, तो जब तक लॉकडाउन है बियर्ड वगैरह तो कुछ कट होएगी नहीं। आफ्टर देन जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे, जब हेयर ड्रेसर वगैरह खुलेंगे तो बियर्ड वगैरह कट करवाएंगे और हेयर कटिंग भी करवानी पड़ेगी, बाल काफ़ी बड़े हो गए। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 10-15 मिनट, पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो चुकी है, कपड़ों की हालत भी ख़राब है आप देख सकते हो, और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद। थोड़ा टाइम लगेगा इसको काटने में, शायद आधा एक घंटा लगेगा क्योंकि अब लंच का टाइम भी हो रहा है, तो टाइम का तो मुझे पता नहीं है, टाइम कितना हुआ है अभी, 12:15 12 हो चुके हैं, तो 1 बजे तक हम लंच करने जाएंगे, अभी काट लेंगे थोड़ा। आफ्टर देन इसको कट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं जब हम घर जाएंगे। तो फाइनली घास काट के हो चुके हैं फ्री, तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे अपने खेत में, एक चेरी का पेड़ है, चलो थोड़ी सी चेरियाँ खाएंगे, आफ्टर देन फिर हम आपको दिखाते हैं कि अभी तो इसमें 4-5 दिन और लग जाएंगे चेरी को आने में, अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, प्रॉपर नहीं पकी है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, अभी इसमें 4-5 दिन और लग जाएंगे। तो जब इनको, एक तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, टाइम अभी 2 बज रहे हैं
सुबह के 8 बजे के हम गए थे यहाँ से घर से खेत को, तो 4-5 दिन के बाद जब चेरी का सीज़न शुरू हो जाएगा तो मैं आपको एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे पैकिंग की जाती है चेरीज़ की और मार्केट में बेचने ले जाएंगे, तो उसके लिए भी एक व्लॉग हम बनाएंगे। तो आज के व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय महादेव। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.